मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, बहुत से लोगों ने हमें व्हाट्सएप किया, टेलीग्राम किया, फोन किए और ये जानना चाहा। कुछ लोगों ने चिंता, आउट ऑफ कंसर्न चिंता जाहिर की कि क्या कारण, सब ठीक तो है, आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग जो आदि हो गए देखने के, उनको इंतजार था और वो परेशान थे कि वीडियो आ क्यों नहीं रहा, तो उन्होंने भी मैसेजेस किए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि क्या कारण है। मैं व्यस्त हूं, व्यस्त संसारिक मामलों में नहीं हूं, अध्यात्म में। मैंने एक वीडियो पहले डाला था ये बताने के लिए कि कैसे ईश्वर दुख को दवा बना देते हैं। गुरबाणी में तुक आती है, दुख दारू सुख रोग भया जासुक ताम न होई। हे हरि, वो दुख भी दवा बन जाता है जो तेरे नाम से जोड़ दे, और सुख रोग बन जाता है जो तेरे नाम से दूर कर दे। मैंने पहले एक जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है रब भगवान से मेरी बातें, तो ईश्वर ने अपार कृपा की, दया की और गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। अब ये दूसरा पड़ाव था। मैं बहुत देर से चाहता था, लेकिन बंबई नगरी में रहते रहते, मेरा ख्याल वहां मैं 35-37 साल रहा हूं उस इंडस्ट्री का हिस्सा, तो वहां रात को देर से सोना आदत पड़ गई है। सुबह वहां का वाइब्रेशन ऐसा है बंबई का, जैसे लोग कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, वहां 24 घंटे लोग जागते रहते हैं, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट ऐसे बड़े शहरों में होता है। तो आदत पड़ गई, तो उसके बाद ये कोशिश थी कि सुबह उठा जाए। बीच में कोशिश की, जब गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने इंस्ट्रक्शंस दी तो लग गए थे, लेकिन फिर छूट गया। अब यही मैं रात को रिकॉर्डिंग करता रहता हूं, सुबह 4-5 बज जाते हैं तो कैसे उठूंगा, पाठ करके सो जाता हूं। तो वो जो रूटीन चेंज नहीं हो रहा था, तो अब जब मेरे ऊपर कष्ट आया पीछे 15-20 दिन, तो उसने सिखाया। ये ईश्वर की लीला है, ईश्वर के रंग है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके ऊपर कष्ट है, ईश्वर कष्ट के जरिए भी आपका जीवन, आपके जीवन का कायाकल्प करने का प्रयास करते हो, कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है, जैसे मेरा किया। अब वो कष्ट था उसमें पता चला, और मैंने वीडियो डाला कि जो सुख सुविधाएं हमको मिली हैं, जो सेहत हमको मिली है, जो कंफर्ट हमको मिला है, जो भोजन हम कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, आराम से सो पाते हैं, उसका तो हमें एहसास ही नहीं है कि वो एक नियामत है, एक नेमत है ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने हमको दी। उसके लिए हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हम तो नाशुक्रे लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। तो वो कष्ट में मुझे महसूस हुआ, वो मैंने डाला हुआ है वीडियो। अब कैसे दोबारा ये कायाकल्प किया, दुख को दवा कैसे बना दिया, कि जब ये एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि मैं सुबह उठता नहीं, अमृत वेला है, मैं लोगों के भले नहीं लगा रहता हूं रिकॉर्डिंग करके, ये वीडियो डाल दूं, वो वीडियो डाल दूं, तो अपना तो देख। एक तरह से मुझे ईश्वर की तरफ से संदेश था। तो अब 3:30 उठने लग गया, 3 उठा देते हैं मुझे, कई बार अलार्म बजते नहीं पहले उठा देते हैं। सवेरे बैठ के सुमरण करने लग गया, पाठ जाप नित्यनेम पहले भी करता था लेकिन ढंग से करने लग गया। मेरी इच्छा थी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हमारे यहां प्रकाश हो और मैं पाठ करूं, बड़ी देर से, और ये योजना थी करेंगे। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो अमूलक हीरे हैं, जो लाल हैं, उनको निकालूं, डुबकियां लगाऊं और उनको निकालूं, वो जो ज्ञान का सागर है उसमें, ये बड़ी देर से मेरी इच्छा थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बस इसी में व्यस्त था मैं कि सब कुछ लोगों से शेयर कर लूं, लोगों का भला हो, लोग ईश्वर का नाम जपें, एक बाग लगा दूं, उसकी कमाई खाएंगे, महापुण्य आएगा। लेकिन गुरु ने कृपा की, ये जो रियलाइजेशन हुई मुझे, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ हमारे गरीब खाने में,
और ग्रंथी सिंह आते हैं, वो पाठ करते हैं, उनका अपना एक तरीका है, उनका अपना एक सिस्टम है, वो फिक्स है उनकी प्रोग्रामिंग, वैसे ही चलते हैं। उनको होता है, उनका टारगेट होता है कि इतने अंग मैंने एक दिन में करने हैं और इतने दिनों में हमने समाप्ति करनी है, भोग डालना है। तो बीच में जो टाइम मिलता है उसमें मैं बैठ के पाठ करता हूं और ईश्वर मेरे साक्षी हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उस आनंद को बयां करने के लिए, क्योंकि मेरी इच्छा थी और मैंने कुछ एक हीरे उसमें से चुने। वैसे तो सारी गुरबाणी ही हीरे, मतलब अमोलक है, लेकिन अपनी अपनी जो अक्ल है, अपना अपना जो टेस्ट है, अपनी अपनी जो लाइकिंग है, जो अवस्था है, उसके हिसाब से आप चुनते हैं। तो कुछ एक मैंने नोट किए, अंग नंबर नोट कर लिया और पंक्तियां नोट कर ली, वो आपसे यही आने वाले वक्त में उसका आनंद लेंगे। मतलब गुरु नानक देव जी महाराज ने और भक्तों ने और गुरु साहिबान ने और मतलब क्या बताऊं महापुरुषों ने, हो क्या गजब किया हुआ है भाई, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो आनंद मैंने लेना शुरू कर दिया है, वैराग में रोता रहता हूं बयां नहीं कर सकता हूं कि क्या होता है, कैसी बातें होती हैं बापू से। तो ये गुरु ने बड़ी कृपा की। अब ये दो तीन दिन के बाद में भोग पड़ जाएगा तो मुझे टाइम मिलेगा, फिर हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, और भी बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, तो उसका भी हमारा चल रहा था कि गुरुवार को, वीरवार के दिन 2:30 बजे से 2:30 से हम सब लोगों से मिला करेंगे। सत्संग करना है, ईश्वर की बातें करनी है, एक आता है, दो आते हैं उससे भी करते हैं, चार आते हैं, लेकिन क्यों ना फिर इकट्ठा टाइम दे दें, तो एक एक करके ना सब लोग उसी दिन, उनको मालूम है जिसको भी अपना प्रोग्राम बनाए। संडे को शादियां वादियां होती हैं, कुछ और लोगों ने प्रोग्राम होते हैं, संडे नहीं तो हम थर्सडे रख रहे हैं। तो एक तो ये मैंने आपको बताना था कि कैसे ईश्वर ने मेरा तो कायाकल्प कर दिया, पहले सारे जवाब देके जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और अब ये कष्ट देके मेरा सारा रूटीन ही चेंज हो गया। मैं कभी 6 और 8 के बीच में खाना खाता ही नहीं था, अब योजना चली 6 बजे शाम को, 6:30 बजे डिनर किया जाए, लेकिन अभी 7, 7:30 यहां आ गए 8, सुबेरे 6:30, 7 बजे नाश्ता मैंने कल्पना नहीं की थी, अपने आज तक जीवन में हुआ ही नहीं। अब 6:30 बजे 7 बजे मेरा नाश्ता हो जाता है, 1 बजे लंच, 1:30 बजे कभी नहीं होता था, ये होने लग गया। ये तमाम वो जो कष्ट मेरे ऊपर आया, ये उस मालिक की दया दृष्टि है, उसका तरीका है बंदे बनाने का, दुख देके उसको दवा बना के जीवन का कायाकल्प करने का, उसके अपने अंदाज हैं, अपने रंग हैं, निराले हैं, हम नहीं समझ पाते। अब इससे जैसे मुझे, हालांकि मैंने गुरबाणी का पाठ जारी रखना है, हम लोग 2 पार्ट में गुरु साहब का स्वरूप मिलता है वो लाने वाले हैं, और वो पाठ तो मेरा जारी रहेगा, और वो जो अमोलक हीरे हैं आप हैरान होंगे, इवन जपजी साहब का लोग पाठ करते हैं रोजाना, विद ड्यू रिस्पेक्ट रैरा साहब का पाठ करते हैं, लेकिन उसमें जो हमने YouTube पे रैरा साहब और जपजी साहब भावार्थों के साथ में डाला हुआ है, जरा उसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या आनंद बनता है। अगर ऐसे कर्म है, ऐसी प्रारब्ध है, ऐसा भाग्य है, ऐसी सेंसिटिविटी है, ऐसी अवस्था है, तो आप सोच नहीं सकते कैसा आनंद बनेगा भावार्थों के साथ में। जपजी साहब मतलब उसको निचोड़ मान लीजिए आप, महापुरुषों ने, विद्वानों ने उसको गुरु ग्रंथ साहब की भूमिका माना है, जपजी साहब को बड़ी गजब की वाणी है, तो हम लोग तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मैकेनिकल एक्सरसाइज करते हैं, भाव से नहीं करते। तो उसमें से भी कुछ पौड़ियां शेयर करूंगा आने वाले वक्त में, गुरु साहब की कृपा से, उनकी दया दृष्टि से, और रहरा साहब में से भी, और गुरु ग्रंथ साहब में से भी एक सीरीज शुरू करेंगे। आप यकीन मानिए मैं गुरु साहब को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर आप भीगी हुई रूह हैं क्या आनंद आएगा आपको, अगर आपकी अवस्था है, मतलब गजब है भाई, शब्द नहीं है, बयां नहीं किया जा सकता।
ऐसा ज्ञान का सागर है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे गुरु पिता ओंकाराज जी ने मुझे कहा था ना, जब मैंने कहा, कुछ लोगों ने शायद वो एपिसोड ना देखा हो, जब मैंने कहा कि मुझे कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी का पता बता दे तो मैं उसकी शरण में चला जाऊं, तो उन्होंने कहा तो खुद तो सबको गुरु ग्रंथ साहिब से जोड़ता है और मुझसे सच्चे ब्रह्मज्ञानी का पता पूछ रहा है। बेटा, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी इस वक्त मेरी दृष्टि में कोई नहीं है। तो क्लियर कर दिया ना उन्होंने, वो दैवी शक्ति जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर के दरबार से आए, उनका रूप है। और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई सिद्ध मंत्र बता दे, तो उन्होंने कहा कि सबको तो एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु बताता है और मुझसे सिद्ध मंत्र पूछता है, इससे बड़ा सिद्ध मंत्र मेरे पास नहीं है। तो यह भी कंफर्म हो गया। खैर, अब इसका लाभ यानी मुझे कैसे हो और सबको कैसे हो? सबको होगा तो मुझे होगा। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि ये बांटें, जो मुझे मिला वो बांटूं। बांटने से बढ़ता है ज्ञान और प्रेम। ईश्वर का नाम जितना शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, जितनी देर करेंगे उतनी सांसें, उतना समय ही सार्थक है, इस दृष्टिकोण से भी मैं लगा रहता हूं। तो हम लोगों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो यूट्यूब है ये वन वे है, हमने रिकॉर्ड किया, डाल दिया, आपने देख लिया, वहां कमेंट कर दिया, हमें समय मिला तो हमने उसको लाइक कर दिया या जवाब दे दिया जब समय मिला। लेकिन मुझे लगा कि टू वे ट्रैफिक होना चाहिए, जो जिज्ञासु हैं, जो भक्त हैं, जो भीगी हुई रूहें हैं, जो रसिए हैं, जो खोजी हैं, जो कहीं पहुंचना चाहते हैं, जो व्याकुल हैं, विचलित हैं, जो दुखी हैं, रोगी हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। ये ईश्वर ने प्रेरणा दी तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, तन गुरु नानक, टेलीग्राम पे। आप सबका स्वागत है वहां, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। अगर आप भी अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, अगर आप भी कोई टेक्निक जुगत चाहते हैं, विधि चाहते हैं जानना कि कैसे उसको पाया जाए, ये मोक्ष का रास्ता है, सल्वेशन का, रिद्धि सिद्धियों का नहीं है, टोने टोटकों का नहीं है, ये गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेक्निक गुरु नानक देव जी महाराज की इस्तेमाल करें, आपका कायाकल्प हो जाएगा। आपने बहुत सारी विधियां अपनाई होंगी, बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे, लेकिन गुरु नानक देव जी की विधि अपना के देखिए और बहुत सरल है। और सारी दुनिया में संदेश ही इनको उलझाओ मत, सीधा गाड़ी राह बताओ जो उस तक जाता है। बस हम उनके घर के कुकर हैं, उनके डिलीवरी बॉय हैं, उनके चाकर हैं, यही हमारा अहोभाग्य है। उन्होंने दया की, कृपा की, उनका संदेश, उनकी वाणी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि उनका भला हो, उनका उद्धार हो, उन्हें मुक्ति मिले। तो ये ग्रुप हमने बनाया धन गुरु नानक टेलीग्राम पे, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें, ताकि वो टू वे ट्रैफिक, उसके पीछे टू वे ट्रैफिक तो है ही, उसके पीछे की लॉजिक था कि जो भयानक समय चल रहा है, इसमें आने वाले समय में वैसे तो हम स्वार्थी लोग इस आधुनिक युग में बहुत अकेले हो गए हैं, वेस्ट में देखिए क्या हालत है, और यहां भी अकेले हो गए, मतलबी लोग है ना, अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त लोग, स्वार्थी लोग। जब जरूरत पड़ेगी तो आप चेतेंगे, फोन कर लेंगे, मैसेज करेंगे, अदरवाइज किसी के पास फुर्सत नहीं है, तो अकेले हो गए। और कभी कोई मुश्किल पड़ जाए, मुसीबत पड़ जाए, तो हम हैं एक दो दोस्त मित्र रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी शायद बस। लेकिन यहां जो परिवार गुरु नानक देव जी की छत्र छाया में बन रहा है, 1000 से ऊपर हमारे लोग उसमें आ गए हैं, जो अभ्यासी लोग हैं, भक्त लोग हैं, जिज्ञासु हैं, भीगी हुई रूहे हैं, खोजी हैं, और कुछ की तो बहुत ऊंची अवस्था है, तो इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं। ये 20-25 दिन पहले हम लोगों ने शुरू किया था। आप भी अगर चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस एक नंबर है 9920031094। ये हमारी जो शुरू में चैनल की एड आती, वहां भी हमने ये नंबर दिया हुआ, टेलीग्राम नंबर 9920031094, 9920031094, 9920031094।
31094 ये नंबर है, आपने अपने फोन में इसको सेव कर लेना है। जब आपने सेव कर लिया, अगर आपके पास टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ है ग्रेट, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम डाउनलोड कर लें। उसमें अपना नंबर कोड वगैरह जो भी नाम आपने डालना है डाल दें, जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं। उसके बाद में उसमें सर्च करें हमारा, मेरे जिस भी नाम से धन गुरु नानक ग्रुप से आप उसको अपने सेव कर लें फोन में, या मंगल ढिल्लों के नाम से, या मंगल ढिल्लों चैनल के नाम से। तो जैसे आप सर्च करेंगे इस नाम से, जो जिस नाम से आपने सेव किया है, तो आपको मिल जाएगा। उस पर आपने सिर्फ एक मैसेज भेजना है उसी नंबर पे जो टेलीग्राम के जरिए, अपना नाम, अपना शहर और प्लीज ऐड मी, बस इतना ही लिखना है। ऐड मी, मुझे शामिल कर लें ग्रुप में, हिंदी में लिख दें, पंजाबी में, अंग्रेजी में, वो हमारे पास आएगा। हम आपको एक लिंक भेजेंगे उसी नंबर पे जो आप, जिससे आप हमें भेजेंगे, आपने उस पर क्लिक करना है और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। वहां थोड़ा पेशेंस रखें, डिसिप्लिन रखें, आम ग्रुप नहीं है, आध्यात्मिक ग्रुप है। पाठ, जाप, सुमिरन और टेक्निक, जो यूनिक टेक्निक्स बताई हमारे ग्रेट मास्टर्स ने, उनका ग्रुप है ये। मोक्ष पाने का ग्रुप है, सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन जिन लोगों का जीवन बदला है, हजारों लोग हैं दुनिया में। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई बाबा नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञाता नहीं हूं, बस ईश्वर ने कृपा किया। मैंने कहा डिलीवरी बॉय, पोस्टमैन, चाकर, कुकर, दरवाजे बंदे भौंकते रहते हैं, बस हमारा तो यही काम है। संदेश आपका होगा, भेजा उसने होगा, हम डिलीवर करते हैं, बस हम इसी में खुश हैं कि उसने हमें इस लायक समझा। बस अब वो किसके लिए था, जिसकी पकड़ में आ जाएगा, जो जुट जाएगा, लग जाएगा, अनुसरण करने लग जाएगा, जिसका जीवन बदल जाएगा, वो संदेश उसके लिए होता है। दूसरा उससे लाभ नहीं उठा पाता, लेकिन उसको बात तो पकड़ में आती है। रंग लागत 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 है, अगर इस संगत में होगा तो उसको भी लग जाएगा। तो इस कलयुग में, इस भयानक दौर में, इस डरावने दौर में आइए हम सब जुड़ें। और कुछ नहीं तो एक कम्युनिकेशन है, एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ है। टेलीग्राम में एक ग्रुप में 2 लाख आदमी आ सकता है, तो जरा अंदाजा लगाइए, 1-2 लाख का मतलब है 5-10 लाख लोग, क्योंकि एक परिवार में 4-5 लोग तो होते ही हैं। तो कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं वहां कितने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, अभ्यासी लोग बैठे हुए हैं, बहुत ऊंची अवस्थाओं वाले लोग बैठे हुए हैं। अगर आप भटके हुए हैं, कंफ्यूज है, विचलित है, परेशान है, व्याकुल है, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। ईश्वर के नाम से बड़ी कोई ताकत नहीं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से बड़ी कोई ताकत नहीं। उससे सपोर्ट कैसे लेनी, उसका सहारा कैसे लेना, प्रोटेक्शन कैसे लेना है, ये टेक्निक भी आप उसमें जानेंगे। हालांकि हमने अपने चैनल पे खुल के बताने का प्रयास किया है, लेकिन वहां आपको ये रहेगा कि वी आर जस्ट अ मैसेज अवे, जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो एक तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, हौसला मिलेगा, और एक आप बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। यानी कभी ईश्वर न करे आपको कोई परेशानी आ जाए, तो आपके साथ हजारों लाखों लोग होंगे, और वो एक सेकंड में खबर सबके पास पहुंचेगी कि फलां के साथ ये ज्यादती हो रही है, या फलां तकलीफ में है, सब लोग अरदास करो। हम लोग रोज शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे से 6:15 तक प्रार्थना करते हैं, अपने अपने धर्म के मुताबिक। जो लोग नाम जपना चाहते हैं जपें। टेक्निक गुरु नानक देव जी महाराज की होती है कि आपने आंखें बंद करके बैठना है, अपनी आवाज को सुनना है। तो वाहिगुरु वाहिगुरु हम ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट है, टेस्टेड है, इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है, और वो फिल्मों के लिंक भी हम इस ग्रुप में देते हैं, हालांकि हमारे चैनल पे भी है, कि वाहिगुरु वाहिगुरु जपने से हरि नाम के चमत्कार, वो लिंक है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, आप सुनिए, लोगों की आप बीती सुनिए, कैसे उनका कायाकल्प हुआ उनके जीवन में वाहिगुरु का जाप करने से और सुनने से। और भजन है कुछ रिकॉर्डेड हमारे पास, उनको सुनना होता रात को रिपीट पे लगा के, सारा कुछ हम बताते हैं चैनल पे भी, हमने बताया, जो लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम है, जो नए लोग शायद उनको ना मालूम हो। तो आप इसका लाभ उठाएं, इस संसार में भी और उस हेयर आफ्टर भी, उस संसार में भी, जो आपका उद्धार कर दे। अगर आपको अपने घर में बैठे बैठाए आपके फोन के अंदर वो सारी जानकारी मिलने लग जाए, तो इसे सौभाग्य कहेंगे। और फिर भी अगर आप उससे लाभ ना उठा पाए या ना जुड़ पाए, तो ये दुर्भाग्य और कुछ नहीं, क्योंकि हम अपनी इस माया नगरी में, इस दुनिया में जहां माया में खचित हैं,
सब यहां से रोते जाते हैं, भक्त संत हंसता हुआ जाता है क्योंकि अपने घर जा रहा है, अपने बापू के पास जा रहा है। अगर जीते जी मुक्त ना हुए तो मर के मुक्त नहीं होंगे। ये एक प्रयास है, हम्बल कोशिश है, हम्बल प्रयास है, हम्बल एफर्ट है कि लोग जीते जी मुक्त होके जाएं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, आप हमारे चैनल में भी पढ़ सकते हैं और उस ग्रुप में भी पढ़ पाएंगे और उनको हम शेयर भी करना चाहेंगे आने वाले समय में कि कितने लोगों का जीवन बदला है ईश्वर के नाम की ताकत से। मैं बार बार कहता हूं हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ वो टेक्निक बनाते हैं, काम जो है वो ईश्वर का नाम करता, उसके नाम की शक्ति करती है। गुरु नानक देव जी, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, उसके नाम की ताकत काम करती है। तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, जपना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जोत हमने इस चैनल पर भी बताई हुई अपने, और वैसे भी हम वहां ग्रुप में बताते रहते हैं क्योंकि कई बार कुछ छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम लोगों को होती हैं तो वो इनबॉक्स मैसेज करके पूछते रहते हैं, हम उनको बताते रहते हैं। और हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, वो भी आपकी उस क्वेरी का, वो जो आप कहीं उलझे हुए हैं उसका समाधान करेंगे। मुझे थोड़ी सी हैरानी जरूर होती है कि 47-48 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, इसका मतलब वो लाखों में हैं क्योंकि एक आदमी करता हो तो परिवार में 4-5 लाख हो गए, तो उसका 5 गुना कर लीजिए आप। इतने लोग हैं जो हमारे वीडियोस है, किसी को तो खैर लाखों में लोग देख गए, किसी को हजारों में देख गए, तो जो नॉर्मल सीरीज हमारी चल रही है रब भगवान से मेरी बातें, उसको भी 2,500-3,000-4,500 लोग देखते हैं। लेकिन शायद लोगों को मालूम नहीं है या रिलेशनशिप कन्वीनियंस की है चैनल के साथ, जब कभी टाइम मिला आए देख लिया, तो वो लोग आए नहीं अभी। तो मुझे हैरानी होती है कि ग्रुप में जहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी वहां 1,000 ही क्यों हुए अभी, कम से कम वहां 4-5 हज़ार लोग तो आ जाने चाहिए थे। अब ये तमाम लोग जो अपने अपने मुल्कों में बैठ के, अपने घरों में, दफ्तरों में बैठ के जो टाइमिंग फिक्स करते हैं हम शाम को, इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 से 6:15 और सुबह 4 से 6, उसमें आप आधा घंटा कर लें अपने अपने मुल्क में, वो टाइमिंग अलग है। जब हमारे यहाँ 4 बजते हैं सुबह के, दूसरे मुल्कों में अलग टाइम होता है, तो आप अपने यहाँ के हिसाब से 4 बजे से 6 के बीच में, 4 से 5 तो निश्चित रूप से करें, जैसे भी करें, वो तो लूटने का टाइम है, उसका बहुत लाभ है अगर आप स्मरण कर सकें, अपनी आवाज को सुने। और जो सूरत से जिनकी अवस्था ऊंची है वो सूरत से करते हैं, शब्द सूरत का सुमेल है ये टेक्निक गुरु नानक देव जी महाराज की, शब्द गुरु सूरत धुनचेला, सुने दुख पाप का नाश, सर्व रोग का औखद नाम, इसी में हम लोग काम करते हैं और हमको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। दुनिया भर में लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अगर आप भी अपना भला चाहते हैं, अगर आप भी इस भयानक दौर में, जो आगे आने वाला टाइम और भयानक है, वो तो लोग अंतर्यामी हैं जिन्होंने सारा प्लान किया हुआ है, वो पहले से बताते हैं, बता दिया डेल्टा आ रहा है, इस कोरोना से कहीं ज्यादा तेज है और कहीं ज्यादा घातक है और बहुत भयानक मौतें होंगी, बहुत बड़ी तादाद में होंगी, उन्होंने पहले से घोषणा कर दी है, अंतर्यामी है, उनको सब मालूम है क्योंकि प्लानिंग ही उनकी है। तो वो आएगा, हो सकता है 2 अक्टूबर-2 नवंबर में आए तो और भयानक समय होगा। उसमें ये ईश्वर का जपा हुआ नाम, ये जो विधियां हैं, अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त कुछ डर नहीं रहेगा आपको, ईश्वर का नाम आपको प्रोटेक्ट करेगा। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई, ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो हुए। चक्की के पाटों के नीचे दाने पिस जाते हैं, लेकिन जो धुरे के साथ रह जाते हैं वो बच जाते हैं। तो धुरा कौन है? ईश्वर, उसका नाम, जिसके इर्द गिर्द सारी सृष्टि घूमती है, वो एक ही थिर है हमेशा के लिए, हमेशा से और हमेशा के लिए। तो उसके निकट आना पड़ेगा उसके नाम के। अगर आपको पता है, आप अभ्यासी हैं, ग्रेट, वंडरफुल, अगर नहीं तो आइए हमारे साथ जुड़िए। मैं फिल्में, टेलीविजन, एक्टिंग, ग्लैमर, पैसा, शोहरत सब छोड़ छाड़ के क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मैसेज मिले, रिटर्न में मिले, लिखित रूप में मिले, मेरा कायाकल्प हो गया, मेरे सारे सवालों के जवाब मिले, मेरे पास कोई सवाल नहीं रहा, कायाकल्प हो गया। इसलिए मुझे निर्देश भी हुआ कि दूसरों को भी बताओ, मार्गदर्शन करो। मैं जितनी मेरी औकात है मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आप जुड़े, आपको न जमे, आप कभी भी जा सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन क्या पता, हमारे जैसे निर्गुण के जरिए, उस ग्रुप के जरिए और उस ग्रुप में बैठे हुए तमाम अभ्यासियों, भीगी हुई रूहों और जिन लोगों की बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं, जिनके पास बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं, उनके सानिध्य में आपका कायाकल्प हो जाए, क्या पता। हम लोग भटकते रहते हैं सारा जीवन,
यहां तो कहीं भटकना भी नहीं है, क्या पता आपको रास्ता मिल जाए। सारा जीवन रास्ता ही नहीं मिलता है, उस रास्ते की तलाश में आदमी भटकता हुआ इस संसार से चला जाता है। तो अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि वो सच्चा रास्ता मिले, तो आइए, मैंने पहले बता दिया है, धन गुरु नानक ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, और आने वाले वक्त में जैसे मुझे फुर्सत मिलती है तो और वीडियोस हम शुरुआत कर देंगे उस सीरीज की, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ईश्वर ने कृपा करके दया करके दी है, जो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आप सबसे शेयर करूं, ताकि आपको विश्वास आए। हम सबकी हालत तो माथे तिलक हथमाला बाना, लोगों ने राम खिलौना जाना, उसके साथ हमारा रिश्ता कन्वीनियंस का है, सुविधा का है, फुर्सत मिली, टाइम मिला, उठ पाए तो कर लिया, थोड़ा बहुत उसमें भी झपकियां आ गई, सुस्ती आ गई, थोड़ा ही किया। हमें डर नहीं है, हमें एहसास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, और हमें यह मालूम ही नहीं है कि आने वाला समय कितना भयानक है और उसमें ईश्वर का नाम कैसे हमारी रक्षा करेगा, इसलिए हम ये सब हरकतें करते हैं। मैंने एक जगह कहा था, अगर कोई रात को 2 बजे सोना या डायमंड बांटने लग जाए, तो आप अंदाजा लगाइए लोग पहले से 2 दिन पहले से उस जगह जाकर कतारों में खड़े हो जाएंगे, और किसी को बाथरूम जाना है, खाना खाने जाना है, या किसी को जाके सोना, दूसरे आदमी खड़ा करके जाएंगे, चांस नहीं लेंगे। लेकिन यहां उसके नाम के अमोलक हीरे, उसके नाम के अमोलक सिक्के, क्योंकि ये जो करेंसी हम कमाने में लगे हुए, ये तो वहां नहीं चलती है, उसके नाम के अमोलक सिक्के चलते हैं वहां उस दुनिया में, वो तो हमने कमाया ही नहीं, हमें यकीन ही नहीं है, हमें फुर्सत ही नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, कन्वीनियंस का रिश्ता बनाया हुआ है, लगा कभी मंदिर हो आए, गुरुद्वारे हो आए, वहां सुना भी नहीं, मन भागा हुआ, विचार चल रहे हैं, बेचैनी है, जल्दी निकलें और पाठ करने बैठे तब भी वही अवस्था, कन्वीनियंस का रिश्ता है, फिर भी हम उसको दोष देते हैं, कुछ बना नहीं, कोई बात नहीं बनी, नहीं, कमियां हम में हैं, तो कमियां अगर निकालनी चाहते हैं, छोटी छोटी कमियां निकाल देने से परफेक्शन आती है, और परफेक्शन अल्टीमेट चीज है, लेकिन आती छोटी छोटी कमियां निकाल देने से है, तो हो सकता है कि आप लगभग पहुंचे हुए हों, लेकिन वो छोटी छोटी कमियों की वजह से आप अटके हुए हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, धन गुरु नानक चैनल के साथ, टेलीग्राम पे ग्रुप के साथ, और देखिए जानकारी अगर आपके पास है, आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, और वहां जितने लोग हैं वो भी अपने अनुभव शेयर करते हैं, और हमारे पास जो ईश्वर हमें तुच्छ जानकारी, जो तुच्छ बुद्धि हमको दी है, और जो ईश्वर नवाजते हैं, और जो और मैंने लोगों का जिक्र किया महापुरुष उसमें है, तो उनके माध्यम से निश्चित रूप से हमें लाभ होगा, आपको लाभ होगा, मार्गदर्शन होगा, और ईश्वर ने चाहा तो जितने लोग जुड़े हैं, अगर वो मेहनत कर लेंगे, डट के मेहनत कर लेंगे, सिंसियरली मेहनत कर लेंगे, तो जीते जी मुक्त होके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।